वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, स्पेशल नहीं होने वाला, इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू ओशवा विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स। ध्रुव होएगा, नेपाली को भी आप जानते हो, प्रदीप को, और ध्रुव का एक रूममेट होएगा सरदार पाजी। लास्ट वीडियो में शायद मैंने दिखाया था, बॉर्नविटा बहुत ज़रूरी है भाई, कहने में यहाँ पर प्रोटीन की कमी होती रहती है भाई, पता नहीं। यहाँ पे ऐसे दूध पीना पड़ता है यार, कच्चा। तो ओशवा जाने का आज एक मेन मोटिव है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया था, पीटर ब्रो में एम्प्लॉयमेंट है नहीं यार, 40 घंटे की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रखा है, 20 घंटे वाला को मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हम ढूंढने जा रहे हैं, फिलहाल ढूंढने नहीं जा रहे, अपने रिज्यूम्स देने जा रहे हैं, कुछ एजेंसीज में जा रहे हैं ओशवा, और उससे एक बोन मिल पीछे छोटी सिटी पड़ती है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वेयर हाउसेज फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो वहाँ भी जाके देखेंगे। बाकी देखते हैं, होप कि आज कुछ हो, क्योंकि पीटरबर्ग के एजेंसीज में तो जब भी गए हम, लास्ट में 2 दिन पहले गया था जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने तो यही कह दिया था कि फरवरी तक हम कोई भी हायरिंग नहीं करेंगे, अभी हम मतलब फुल हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रखा है। तो किसी भी एक स्टूडेंट के लिए यार ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात होती है, सच बताऊँ तो। अगर पीटर ब्रो आ रहे हो तो सोच के आना, बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, सोच के आना रेफरेंस। तो भाई जिस बस में ध्रुव भाई और उसके रूममेट आ रहे थे वो तो मिस होगी मेरे से, तो ध्रुव भाई भी उतर गए बस में अगले स्टॉप पे, तो अब उन्हीं के पास जा रहा हूँ भाई की 53 पे, बस 10:53 पे। उसके बाद हमने फिशर जाना है, फिशर से हमें गो बस लेनी है, हर बार की तरह बस छूट जाती है, कोई बात नहीं, कैनेडा। तो डोमेस्टिक तो नहीं बोलते, लोकल बस ने नंबर 5 ने हमें यहाँ पे गो बस के स्टैंड पे उतार दिया। गो बस जो कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता वो यहाँ की कनाडा की सर्विसेज है, गो बस पेड सर्विसेज होती हैं, तो कहीं भी अगर हमें ऑल ओवर किसी भी प्रोविंस में जाना है तो गो बस के ज़रिए जा सकते हैं, चेंज करनी पड़ती है वो तो है ही है, पर सर्विस का नाम गो बस है, ग्रीन कलर की होती हैं। और ये 4 जने आ गए थे अपने साथ में, मगर इन तीनों के साथ मैं चौथा आ गया था। तो चलते हैं अभी, अभी पहले हम जाएंगे यहाँ से बोगनविल की साइड, आगे अगर ओशवा वगैरह जाना होगा तो देखते हैं। तो बोगनविल उतर गए थे अभी, अभी जस्ट उतरे, तो अभी जाएंगे आगे। तो सोच रहा था मैं प्रेस्टो बनवा लूँ, पर मैंने प्रेस्टो बनवाया नहीं यार, मैं सीधा अपना क्रेडिट कार्ड से ही पे कर दिया, क्योंकि मेरा पीटर ब्रो से इतना आना जाना होता नहीं, पीछे ये शॉपर ड्रग मार्ट जहाँ से बनवाते हैं प्रेस्टो, पर मैंने कहा छोड़ो यार क्यों फालतू देने, तो सीधा क्रेडिट कार्ड से पे किए। मेरे पीटर ब्रो टू बोर मिल के लगे $8.29, जो कि क्रेडिट कार्ड से लगे, जाने के भी इतने लगेंगे टोटल 17-18 में आना जाना हो जाएगा। मतलब अभी सामने एक प्लाजा है जहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं, देखते हैं, फिंगर क्रॉस। सो आफ्टर लुकिंग दिस सिटी, अगर ओवरऑल मैं बताऊँ, मतलब पीटर ब्रो से ना ये काफ़ी गुना बेटर है, सच्ची बताऊँ, और मैंने अभी तक इस सिटी का सिर्फ 20-25% ही घूमा है, पर यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जॉब्स की, मतलब अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, हायरिंग हर जगह मतलब ओपन ही है ऑलमोस्ट, तो हमने जितनी जगह पे यहाँ पे किया है ना अप्लाई, सारी जगह से पॉजिटिव रिस्पांस ही है, तो फिंगर क्रॉस ही रहेगी अरे कि मिल जाए बेटर रहेगा। और मैं आपको थोड़ी सी सिटी वैसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम एक प्लाजा के बाहर खड़े हैं, यहाँ से हमें गो बस वापस जाने के लिए लेनी है, क्योंकि अब हो गया टाइम काफ़ी ज़्यादा, और सैटरडे को एक टाइम के बाद बसेस मिलनी बंद हो जाती है, सैटरडे संडे को मैंने बताया था। तो अब जाएंगे दोबारा से घर, जाके बनाएंगे खाना खुना, देखते हैं क्या होता है भाई आगे जॉब का। जो भी पीटर ब्रो आ रहे हैं ना, मेरे को टेक्स्ट ज़रूर करना, मैं इंस्टाग्राम पे देखूंगा, इंस्टाग्राम पे नहीं तो मेरे को कमेंट करना मेरी वीडियोस में, जो भी पीटर ब्रो या फ्लेमिंग कॉलेज के लिए आ रहे हैं एक बार टेक्स्ट करना, पर्सनल डीएम करना, तो मैं इस टॉपिक पे भी एक अलग से वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा, अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा पीटर ब्रो के बारे में, अगर चाहते हो कि बनाऊँ तो।
बाकी थोड़ा बहुत तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से दिख ही जाता होगा पीटर को का थोड़ा रिव्यू, पर फिर भी अगर एक पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो चाहते हो तो ज़रूर बनाऊंगा मैं, तो मेरे को टेक्स्ट या कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये एक मतलब सिर्फ एक प्लाजा ही है यहाँ का बोन मिल का, यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं यार अप्लाई करने के लिए, अभी तक हम काफ़ी जगह कर चुके हैं, यहाँ पे हर चीज़ है, वॉलमार्ट भी यहाँ का काफ़ी बड़ा है मैंने देखा, और ये है यहाँ गो बस स्टैंड जहाँ से हमें बस देनी है, तीनों अंदर ही बैठे हैं अभी। तो सिटी यार काफ़ी अच्छी है सच्ची बताऊँ तो, ये मतलब किसी भी अदर सिटी से, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा कहीं गया नहीं हूँ, बोवन मिल मेरी दूसरी या तीसरी सिटी है जहाँ पे मैं गया हूँ, इससे पहले मैं ब्रैडफोर्ड में था पीटरब्रो से पहले, और पीटरब्रो के बाद अब मैं बोवन मिल में आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटीज़ है क्या नहीं। पर यहाँ पे कोई कॉलेज ना होने की वजह से स्टूडेंट्स भी कम है, इंडियंस भी कम है, तो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और पीटरब्रो से मेरे को सिर्फ एक ही घंटा लगता है यहाँ पे पहुँचने में, तो होप कुछ ना कुछ हो सबका हो। सो फाइनली आई एम इन पीटरब्रो, घर पे पहुंचने वाला हूँ, जाके बनाऊंगा खाना, उसके बाद सोना, क्योंकि पिछली रात को भी ठीक से नींद नहीं आई थी और सुबह भी जल्दी निकले थे, तो आज का रिस्पांस ठीक रहा यार, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी एजेंसीज में गए, काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया, और जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे को DM करके इंस्टाग्राम पर बताना कि अगर आपको पता करना है पीटरब्रो कैसा है, ओवरऑल रिव्यू चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा उस पर वीडियो, अगर चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो यस लिखना ज़रूर नीचे, तो मैं ट्राई करूँगा अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने की, लाइक हाउ पीटर ब्रो इज़, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कैसी एम्प्लॉयमेंट है, कैसी फैसिलिटीज़ है, सब बताऊँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।